वो उसने कॉल किया जो पॉकेट से नंबर निकाला, कागज निकाला, पुलिस वालों ने आप लोगों को नहीं? नहीं नहीं, पुलिस ने चेक भी नहीं किया उसका पैकेट। वो उसने तो वहाँ पे जो डोम था उसने पैकेट चेक किया। कॉन्टैक्ट पुलिस ने भी नहीं किया? नहीं नहीं, वो बोला कि मेरे पास लेडीज पुलिस नहीं थी तो इसलिए लड़की थी तो हम लोगों ने चेक नहीं किया। अच्छा, लेकिन जहाँ तक कि पता चला है कि तो लेडीज पुलिस क्यों नहीं ले गए? जब लेडीज पुलिस थी सर। अच्छा, वहाँ पे जो पिक आया है, पिक्चर आया है, उसमें 100 के पास थी लेडीज पुलिस। वो कह रहे हैं कि मेरे पास लेडीज पुलिस नहीं थी, हमने चेक नहीं किया। हाँ, और वहाँ पे पिक्चर में है कि मतलब बगल में यहाँ पे 100 है और लेडीज पुलिस। हर जगह झूठ, हर जगह बनावटी, हर जगह झोल झाल। फिर जब समय पे नहीं आई तो हम लोग पता किए तो पता चला कि वो कोचिंग ही नहीं गई थी। कोचिंग नहीं, कोचिंग आप लोग गए थे? जी, जब हम लोग कोचिंग में जाकर सीसीटीवी वगैरह चेक करवाए तो पता चला कि कोचिंग ही नहीं गई उस दिन। तो फिर हम लोग इधर उधर खोजबीन में लग गए, जितने परिवार के लोग थे, फिर कुछ नहीं पता चला। तो हमारी माता जी गई और हमारे जो बड़े बगल में भैया थे बड़े, वो गए एफ आई आर करवाए। जब वहाँ गए तो कोचिंग संचालक जो भी टीचर है उन्होंने क्या कुछ कहा? वो बोले कि आज नहीं आई है, आप लोग देखिए इधर उधर, अगर हो सके तो पार्टी वगैरह में चल गई होगी, दोस्त के यहाँ से कहीं भी अपने रिलेटिव के यहाँ चेक करा। लगा मतलब कि आपको लगा क्या, आशंका लगा कि पार्टी में कहीं गई है या कुछ ऐसा, कहीं बाहर गई है, बताई है मम्मी को, बताई थी या कुछ ऐसा? कुछ बताई ही नहीं थी, जैसे हम लोग को मतलब दिमाग पूरा खराब हो गया कि बिना कुछ बताए कोचिंग भी नहीं गए। उसी टाइम में जाती थी सारे, डेली उसी टाइम में जाती थी। क्या बात, 11 बजे आती थी? 11:15 तक घर आ जाती थी। लेकिन उस दिन नहीं आई, आधा घंटा लेट हुआ। फिर हम लोग स्कूल में ही पता करवा, लेकिन स्कूल भी बंद था उस दिन। तो आप लोगों ने सब जगह से पता कराया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। 12 जून तक, 13 जून को आप लोग गए वहाँ जहाँ पे नहर है। जी, 13 जून को वहाँ से कॉल आया, उसके पैकेट में फोन नंबर था पूरे परिवार का, तो वहाँ से कॉल आया कि आपकी बेटी का 100 मिला है यहाँ पर इंद्रपुरी डैम में। तो फिर हमारे परिजन वहाँ पे गए, फिर तब तक उस टाइम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था बॉडी सासाराम। फिर वहाँ भी मतलब झोलझाल ही किया गया, कुछ न चीरा है न शरीर पे न कुछ था। फिर ये एक इसमें मुख्य बिंदु नजर ये आ रहा है कि वो जो कागज, वो जो डायरी श्रेया के पॉकेट पॉकेट में था, उससे क्या लग रहा है? वो खुद नहीं थी डायरी वगैरह या कुछ? वो उसके बैग में एक डायरी रहती थी जिसमें सब पूरे परिवार का नंबर रखती थी। मोबाइल तो साथ में नहीं ले जाती थी? नहीं, मोबाइल उसका पर्सनल नहीं था, घर के मोबाइल पे यूज करती थी। और वो हमेशा डायरी रखती थी, लेकिन उस दिन उसके पैकेट में वो कागज था जिसमें सबका नंबर रखा हुआ था, लिखा हुआ था। तो उस नंबर और उस कागज से कांटेक्ट किया गया जी आप लोगों को? जी। अच्छा, कब ये कब किस टाइम कॉल किया गया? कॉल लगभग 4:30 के आसपास आया था, शाम में 13 शाम में 13 शाम में जी। और उसके बाद फिर बॉडी आई वहीं से, फिर अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए गया था जी। पोस्टमार्टम कितने दिन के बाद आया? फिर 14 तारीख को सुबह में बॉडी यहाँ आया। अच्छा, वो जो आप लोगों को कॉल करने वाला था वो कुछ बताया आप लोगों को? वो कुछ बोला नहीं, बोला कि क्या यहाँ पे 100 मिला हुआ है, क्या आपने मतलब दर्ज कराया था कोई किसी लड़की के नाम से? तो हाँ। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अच्छा ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि लेडीज पुलिस नहीं थी, लेडीज पुलिस आपके पास कमी है क्या? नहीं नहीं, वहाँ पे थी भी, फिर भी झूठ बोला गया, फिर भी झूठ बोला जा रहा। फाइनली आप मुझे बताइए कि उसके बाद वो यदि वो जो पॉकेट से निकालने वाला यदि वो कॉन्टेक्ट नहीं करता तो फिर क्या सीन? बॉडी का पता ही नहीं चलता सर, हम लोग ऐसे ही खोते रह जाते। फिर तो ये सारे मिस्ट्री, ये मर्डर मिस्ट्री खत्म हो जाती? खत्म हो जाते पूरे, ना फेस का कुछ पता चल रहा था, ना बाल वगैरह, कुछ भी पता ही नहीं। बॉडी में कुछ वो फोटो से लग रहा है कि कुछ एंगल ही नहीं लग रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो पहली फोटो है, जो फोटो प्रोफाइल फोटो है उसको दिखाया जाए तो अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा पूरा। अगर वो पैकेट पैकेट में फोन नंबर नहीं रखती और उसका मतलब कपड़ा से वो हम लोग पहचाने। और आप टेंथ में हैं जी, क्या करने की सोच रहे हैं अभी? कुछ पढ़ाई लिखाई अभी सोच रहे हैं? आपकी सब्जेक्ट न्याय नहीं मिल पाया तो यहाँ तो हो ही रहा है, मतलब सब जगह हो ही रहा है, लेकिन ऐसा होगा जो किसी ने देखा भी नहीं होगा।